हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, चाइनीज मार्केट में ओप्पो कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो A2 को लॉन्च कर दिया है, जो कि दोस्तों कंपनी का एक लो प्राइस 5G स्मार्टफोन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एंड हैंड्स ऑन रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास व्हाइट कलर का ओप्पो A2 5G स्मार्टफोन का बॉक्स, जिसके ऊपर आपको ओप्पो A2 स्मार्टफोन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों जल्द इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ओप्पो A2 स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी बढ़िया डिजाइन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जो कि बड़े साइज के कैमरा बम्प के साथ आते हैं। इन दोनों ही कैमरा के साथ आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। और यह स्मार्टफोन सेंटर कंसोल कटआउट वाली फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फ्लैट डिजाइन देखने को मिलता है। यह स्मार्टफोन IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आता है। तो दोस्तों ओवरऑल लुक और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। इस स्मार्टफोन का लुक और इसके डिजाइन भी आजकल के ज्यादातर आने वाले फ्लैट स्मार्टफोन की तरह ही है। बाकी दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन के फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको अब की बार कंपनी ने 6.72 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो की 19Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आती है। और उसके अंदर आपको 680 nits पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन ठीक ठाक है। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी AMOLED पैनल प्रोवाइड करा सकती थी, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में आपको अबकी बार डिस्प्ले बड़े साइज की देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में बात करें तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको कंपनी ने 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि ओप्पो कंपनी अपने ज्यादातर लो प्राइस स्मार्टफोन अंदर इतनी ज्यादा बढ़िया कैमरा सेंसर प्रोवाइड नहीं कराती। हालांकि दोस्तों स्मार्टफोन में आपको अबकी बार मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि AI के सपोर्ट के साथ आता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन से भी आप ठीक ठाक पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन से आप प्रीमियम फोन के जैसे हाई क्वालिटी की पिक्चर्स आदि को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कुछ अच्छे कैमरा फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन की वेरियंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 12GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 256GB और 512GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी ने एक ही वेरियंट में लॉन्च किया है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन की रैम को आप 12GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों कार्ड के जरिए आप इस स्मार्टफोन से 24GB रैम का एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे, जो कि आपको गेम के दौरान काफी बढ़िया और अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको अब की बार कंपनी ने MediaTek का चिपसेट प्रोवाइड कराया है। जी हां दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने MediaTek Dimensity 6020 का चिपसेट दिया है और यह स्मार्टफोन Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको MediaTek का एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ आता है और यह चिपसेट 7nm टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको चिपसेट भी इतना ज्यादा पावरफुल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों यह चिपसेट आपको ठीक ठाक 5G एक्सपीरियंस दे सकता है। यदि आप PUBG और BGMI जैसे गेमों के स्क्रीन है तो दोस्तों इसके अंदर आपको इतना ज्यादा बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन से आप नॉर्मल गेमिंग को बढ़िया तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको अगली बार कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों यह स्मार्टफोन बैटरी के मामले में बढ़िया है। इसके अंदर आपको 5000mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है, जिससे दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको काफी बढ़िया पावर बैकअप भी देने वाला है। हालांकि दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग 33 वाट का ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों इंडियन मार्केट के हिसाब से स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 15 से 18 हजार रुपए के आसपास रखा गया है। बाकी दोस्तों इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन को शायद कंपनी 20 हजार रुपए से ऊपर ही लॉन्च करने वाली। तो दोस्तों आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा और आप इस स्मार्टफोन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।